शहर का बढ़ता ट्रैफिक आम जनता के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। शहर के अव्यवस्थित ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए काशीपुर यातायात पुलिस और सीपीयू पुलिस लगातार कार्यवाही पर है। काशीपुर में बढ़ते ट्रैफिक से रामनगर रोड और बाजपुर रोड पर बन रहे फ्लाईओवर के कारण आए दिन शहर में लगातार जाम लगा हुआ है, जिसको लेकर यातायात पुलिस और सीपीयू पुलिस लगातार सख्ती बनाए हुए है। यातायात नियमों के पालन के लिए चेकिंग के दौरान टू व्हीलर पर हेलमेट, तीन सवारी और बिना कागजों के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही चालान भी काटे जा रहे हैं। जाम की समस्या को देखते हुए सीपीयू पुलिस मनीष भडूला एवं गिरधर सिंह ने बताया कि शहर का समस्त ट्रैफिक को सुचारू रूप से पास किया जा रहा है, जिसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। यातायात व्यवस्था को लेके कार्रवाई एक तो यह है कि जैसे कि टांडा चौराहा हो गया या चीमा चौराहा फाटक हो गया, इन पर जब भी फाटक लगता है तो बिल्कुल सुचारू रूप से दोनों तरफ लाइनों को लगाया जाता है, जिससे कि यातायात बाधित नहीं होता। और सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भी लगातार कार्यवाही की जा रही है और फ्लाईओवर का भी निर्माण अब अंतिम उसमें है, चल ही रहा है बिल्कुल। अब फ्लाईओवर बन जाएगा तो यातायात दुरुस्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।